सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इकबाल खुशामदीद कहते हैं आप सबको और आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ ही दोस्तों, जो कुछ कश्मीर में हुआ, जो कुछ हो रहा है, हम सब एज अ पाकिस्तानी सब सो सैड हैं एंड वी होप कि अल्लाह करे कि सब सूरत हाल बहुत बेहतर हो। ठीक है जी दोस्तों, ईद का दूसरा दिन लाइव मौजूद हैं, जितने दोस्त आ रहे हैं सभी को खुशामदीद कहते हैं और मेन्यू जबरदस्त बनने जा रहा है। ठीक है जी, आज जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है बिल्कुल दम दही गोश्त। ठीक है, दम दही गोश्त आप कुर्बानी की गोश्त से इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तैयार कर सकते हैं, इसके अज्जा बताते हैं, साथ ही एक जबरदस्त मीठा बनाएंगे। और जितने दोस्त मौजूद हैं आपको हम दावत देते हैं, कॉल के जरिए शो का हिस्सा बन सकेंगे आप, तो पार्टिसिपेशन का सिलसिला भी बिल्कुल जारी है। तो क्विकली हमने रेसिपी का आगाज करना और जरा देखिएगा गोश्त को आपने देखेंगे तो ये हमने एक कच्चा पपीता मिलाया है। ठीक है जी, आधा किलो गोश्त था, ये देख सकते हैं इसकी हमने बोटियां बना ली हैं, चाहे बीफ हो मटन हो दोनों में आप बना सकते हैं। ठीक है जी, और इसमें हमने पपीते को इस तरह से चॉप करके ऐड किया है और ये पपीता था, ये देख सकते हैं आप ग्रीन वाला। ठीक है जी, ग्रीन भी आप ऐड कर सकते हैं और येलो पपीता भी ऐड कर सकते हैं। गलावट के लिए चार चीजें बहुत अहम है, पपीता भी ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा कचरी पाउडर ऐड कर सकते हैं, मीट टेंडराइजिंग पाउडर, ठीक है, और सोडा, ये चारों चीज़ों को आप गलावट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, गोश्त में हमने पपीता मिलाया है, करते हैं इसे मिक्स और पपीते के साथ ही हमें ऐड करना है इसमें अदरक लहसुन पिसा हुआ, ठीक है, जिंजर गार्लिक एक और ये दो खाने के चम्मच। अदरक लहसुन के साथ ही इसमें कुछ अज्जा तो ऐड करना है लेकिन हमें सिर्फ नमक मिलाना है। ठीक है, पपीता अदरक लहसुन के बाद ऐड करते हैं नमक हसबे जायका, या इसमें हम लगभग आधा चम्मच। ठीक है, और अब इसे ज़रा मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। ठीक है जी, मिक्स करने के बाद कुकिंग प्रोसेस का भी आगाज़ करते हैं और अज्जा भी आपको बताते हैं। बिल्कुल, पैन के अंदर ऐड करते हैं कुकिंग ऑयल एंड लेट्स सी कौन मौजूद है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है शेख? वेल, खैरियत से? हेलो हेलो जी, आवाज़ फ्लोर पे नहीं आ रही। हेलो हेलो, आ रही है आवाज? जी जी, कौन बात कर रहे हैं आप? फरहत बात कर रहा हूँ कराची से। फरहत साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुने? बस बस ठीक ठाक, मजे में, खुश आमदीद कहते हैं। कल आपने आठ दूर बहुत अच्छा प्रोग्राम करा था। जी जी, क्या कह रहे हैं फरहत भाई? मैंने कल आपने आउट डोर जो प्रोग्राम करा बहुत अच्छा था वो भी। जी जी, बहुत शुक्रिया। वो जो कटाकट वाला? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कभी आपने ट्राई किया कटाकट घर पे? जी जी, कटाकट तो मैंने नहीं करा, इंशाल्लाह ताला करूंगा। ठीक है जी, और ईद कैसे गुजार रहे हैं आप? बस जी, ईद कल कुर्बानी करी थी, आज घर पे थी अम्मी के यहाँ, तो वहाँ गए हुए थे। अच्छा 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 अच्छा, इसी तरीके से गुजरती है। ठीक है, और बारिशों को एंजॉय किया आपने ईद में? ईद से पहले बहुत ज्यादा थी, एंजॉय क्या किया, परेशानी हुई। चले इंशाल्लाह, दुआ करते हैं सब बेहतर हो एंड शुक्रिया, थैंक यू। फरहत साहब मौजूद रहे और दोस्तों, कल का शो सबको अच्छा लगा। ठीक है जी, मैं बाहर भी कहीं गया या जहाँ से किसी और शोज में गया, सबने बात की, कटाकट वाला शो आप सबको पसंद आया जो हमने आउटडोर किया था, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, और रेसिपी देख लीजिए जो आज बनाने जाएंगे कुर्बानी के गोश्त, आज ये कल भी बना सकते हैं। ठीक है जी, और रेसिपी है दही दम गोश्त। ठीक है जी, तो इसमें सिर्फ हमने गोश्त था, पपीता और अदरक लहसुन और नमक मिलाया, इसे ऐड करते हैं हम ये ऑयल के अंदर। हाफ कप ऑयल शामिल किया। ठीक है जी, और अब आपने इसकी करनी है भुनाई जबरदस्त। इस वक्त इसमें सिर्फ हमने पपीता मिलाया है, पपीते के अलावा हमने इसमें गोश्त शामिल किया। ठीक है जी, और इसके अलावा हमने नमक मिलाया है।
ठीक है जी। और सवाल पूछा जा रहा है कि आपसे सवाल है मेरा बहुत ही आसान सा, जो हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि गोश्त को गलावट के लिए, गोश्त को गलाने के लिए क्या क्या चीजें जो हम शामिल कर सकते हैं। आपने तीन चीजें बतानी है जो हम यूज करते हैं गोश्त को गलाने के लिए, ठीक है जी। तीन चीजें वो बतानी है जो हम यूज करते हैं गोश्त को गलाने के लिए, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। बुनाई का सिलसिला जारी है, ठीक है जी। जब तक इसका प्रोसेस जारी है तब तक हम कुछ इस तरह से करते हैं कि प्याज अनियन या मौजूद इसे हम काट लेते हैं। एक प्याज ऐड करनी है जो स्लाइस नहीं बल्कि चॉप करना है। प्याज के दो पीस किए सिंपली आपने, ठीक है जी। नाइफ का तेज होना बहुत जरूरी है और इस तरह कट लगाने आप, एक जी तीन कट लगाने के बाद रफ चॉप कर रहे हैं। गोश्त को गलावट के लिए क्या चीजें यूज करते हैं, तीन चीजें आपने बतानी है। ईद बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है जी। और इस तरह से आपने काट लेना, तीन कट और इस तरह चॉप कर। और ये प्याज ऐड करते हैं हम गोश्त के अंदर, ठीक है। पहले हमने पपीता, अदरक, लहसुन, नमक, गोश्त, उसके बाद हमने प्याज ऐड किए। और अब इसकी आपने भुनाई करनी है जो जरूरी है, जाहिर है। ठीक है जी। और कुर्बानी के गोश्त या बहुत से लोग रख जिन्होंने प्रिजर्व किया वो उनसे कहते चलें कि इट डिपेंड आप कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। अंडरकट हो अगर किसी ने रखा हो वो जल्दी गलता है, तो उसके अलावा पपीता, रान का गोश्त होता है वो भी जल्दी टेंडर होता है, ठीक है। बाकी गोश्त में ज़्यादा टाइम लगता है, और बकरा है अगर आप मटन बना रहे हैं तो ज़्यादा जल्दी गल जाता है, ठीक है जी। एंड लेट्स सी कौन मौजूद है कॉल पे। भुनाई का सिलसिला जारी, खुशबू बहुत ही आला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक जी। कौन बात कर रहे हैं आप? जी मैं फरहान बात कर रहा हूँ। कौन? फरहान, कैसे हैं आप? जी फरहान साहब, ईद मुबारक हो आपको बहुत बहुत। खैर मुबारक, चलिए आपको भी ईद मुबारक हो बहुत बहुत। खैर मुबारक। और फरहान, सवाल हमने पूछा है कि गोश्त को गलावट के लिए तीन क्या चीजें यूज करते हैं, तीन चीजों का आप नाम बताने में। सर जी, ये हमें गोश्त बनाने किस तरीके से बनेगा? ये कौन सा गोश्त है आपके पास, बताएं क्या बनाना है आपको? ये कुर्बानी का गोश्त है। तो ये जो आज बना रहे हैं ये रेसिपी ट्राई करें आप, ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है जी दोस्तों, और ये इस वक्त जो भुनाई हो रही है, आई वुड से एक बहुत जबरदस्त अरोमा आता है। बहुत से बच्चियां भी आई वुड से जो कहती हैं कि यार गोश्त की स्मेल बिल्कुल ना होती। ये अच्छा तरीका है कि आपने अदरक, लहसुन, पपीता, नमक ऐड करके भुनाई की, बाद में कच्ची प्याज ऐड किए। अब इसके अंदर खुशबू आएगी प्याज की, और एक जबरदस्त हुआ जो उस वक्त हम इंजॉय करें इसकी खुशबू, बहुत ही आला। और भुनाई जारी रखनी है, ठीक है जी। पाकिस्तान, दुनिया में जहाँ जहाँ ईद सेलिब्रेट करें सब मुसलमानों की बहुत बहुत मुबारक हो। ईद का दूसरा दिन लाइव मौजूद है आपके साथ, और सवाल है गलावट के लिए तीन क्या चीज़ें यूज कर सकते हैं हम बता रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दही भी ऐड करना है, लेकिन कुछ देर के बाद, ठीक है। और यहाँ सवैया मौजूद है तो हम दूध सवैया भी बनाएंगे, तो मेन्यू काफ़ी मज़े का जी, ठीक है जी। दूध सवैया भी बिल्कुल करनी है तैयार, लेकिन पहले हम चाह रहे हैं जरा गोश्त की ज़बरदस्त अंदाज में इसकी भुनाई कर लें, ठीक है। पपीता ऐड किया है, और कोशिश कीजिए पपीता ऐड करने के बाद कुछ देर रखिए, और ना सिर्फ गलावट बल्कि पपीते से गोश्त नरम भी होता है, खाने में मज़ा आ भी आता है आपको, ठीक है। और ऑर्गेनिक है, फायदे इसके बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। बस प्रोसेस जारी है और भुनाई हो रही है, खुशबू बहुत ज़्यादा। गोश्त देखिए दोस्तों, ये देखिए माशाल्लाह बहुत जल्दी गलता जा रहा है, देख सकते हैं आप। ये आप गोश्त देखेंगे, जरा आपको दिखाएं, देखें क्विकली, देखें ये सॉफ्ट होता जा रहा है, नरम गोश्त, मजे का, खुशबू बहुत आला। एंड लेट्स सी और कौन मौजूद है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका सवाल है जी। सर, कचरी पाउडर, कचरी पाउडर और कच्चा पपीता दो, और छालिया, छालिया। मेरा नाम है, ठीक है ठीक है। क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीम कुरैशी। ठीक है कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गोश्त को गलावट के लिए तीन हम क्या चीजें यूज करते हैं,
तीन से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन हमें सिर्फ तीन नाम बताने हैं, तीन, ओनली थ्री। इन्होंने अपने जवाब दिया और ये देखिए डिफरेंट वे है मेथड। अब तक दही शामिल नहीं किया, अब तक मसाले शामिल नहीं किए, सिर्फ हमने पपीता, प्याज, अदरक, लहसुन, नमक और इसी में गोश्त 50% गल चुका है, 50% गोश्त गल चुका है लगभग, ठीक है। जरा इसकी और भुनाई करते हैं और साथ ही इसमें कुछ ग्रीन चिलीज ऐड करते हैं दोस्तों, हरी मिर्चें साबित, कितनी आपको बताते हैं, ठीक है। लगभग हम ये 4 अदद मिर्चें ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल साबित ऐड नहीं करने, सिर्फ इसके 2 पीस करने हैं आपने, मिर्च रखी, ये 2 पीस किए और इसके अंदर हमने शामिल किया, अब फिर से देखिए 2 पीस और इसके बाद इसमें शामिल किया अब 2 और ये तीसरी मिर्च 2 पीस और इसमें शामिल किया और ये थर्ड वन, 4 मिर्चें हमने इसके अंदर ऐड की, ठीक है। और जैसे जैसे भुनाई हो रही है देखिए गोश्त गलता भी जा रहा है, इसमें हमने इस पॉइंट पर दही शामिल करते हैं, ठीक है जी। 250 ग्राम आधा किलो गोश्त में 250 ग्राम दही शामिल कर रहे हैं और लेते हैं छोटा सा वक्फा, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं, अब के जवाब भी लेंगे और गोश्त के हवाले से और मजीद बातें होंगी वक्फे के बाद। ईद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, लेट्स से कर देंगे। बहुत बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह कल पूरे पाकिस्तान में भरपूर अंदाज में 14 अगस्त जश्न आजादी सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह, और बेहतर भी 73 हर जगह, यकीनन बहुत ज्यादा लोग खुश भी, एक्साइटेड भी, और साथ ही हम याद रखेंगे हमारे कश्मीरी भाइयों को कि अल्लाह ताला उनकी प्रॉब्लम आसान करें, एंड वी होप जो सूरत हाल है सब भी बेहतर हो, ठीक है जी, एंड होप फॉर द बेस्ट। एंड रेसिपी शेयर कर रहे हैं बहुत ही खास, दम दही गोश्त, ठीक है जी। कुर्बानियाँ हुई और माशाल्लाह सिलसिला जारी है, बहुत से लोग आज ज़बरदस्त रेसिपीज बनाएंगे, बहुत से लोग बना चुके हैं। सवाल आपसे इतना सा दोस्तों हमने हमारी इस महफिल में कि गोश्त को गलावट के लिए, गोश्त को टेंडर करने के लिए 3 क्या ऐसी चीज़ें शामिल की जाती हैं, जवाब देंगे आप कॉल करके। रेसिपी देखिए और गोश्त देखिए माशाल्लाह दोस्तों, ये बिल्कुल कुर्बानी का गोश्त हलवा होता जा रहा है, आहिस्ता देखिए काफी हद तक गल चुका है, देखिए गोश्त हड्डी से अलहदा हो रहा है, देख सकते हैं आप। सिर्फ हमने पपीता मिलाया, अदरक लहसुन, ये देखिए गोश्त हड्डी से अलहदा हो रहा है, देखिए बिल्कुल ये गल चुका है, वाजिब अब ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल गोश्त गल चुका है। गोश्त को पहले गला लेना आपने, ऑयल एड किया, अदरक लहसुन, गोश्त, गोश्त में पपीता मिलाकर रखा था, फिर ग्रीन चिली, हरी मिर्च और दही शामिल की और नमक हसब जायका। अब इसके अंदर शामिल करते हैं बहुत ही खास स्पाइसेस दोस्तों, ये हर्बल कुछ चीजें ऐड करनी है इसमें दम दही गोश्त में। सौंफ, बहुत से लोग कहते हैं गोश्त हम खाते हैं हमारा हाजमा खराब हो जाता है, कुछ हजम नहीं होता, तो यह ऐड कीजिए सौंफ, बहुत बूस्ट करेगा हाजमे को, ठीक है, पेट के लिए भी बहुत अच्छी। 1 चम्मच सौंफ शामिल की, सफेद जीरा भुना हुआ, यह भी हाजमे के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा, 1 चम्मच जीरा शामिल किया। शामिल करते हैं हम पिसी हुई लाल मिर्च, सिर्फ 1/2 चम्मच, काली मिर्च पीस कर शामिल नहीं करनी, कुटी हुई क्रश करके, ये भी हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी, एंड इसका मजा ही बहुत मजे का होता है।
आधा चम्मच काली मिर्च कुटी हुई शामिल की, ठीक है जी। और जरा सा ऑयल ऐड करते हैं और बिल्कुल देसी अंदाज में बीफ की हो रही है भुनाई, बल्कि मटन है, आप बीफ में भी बना सकते हैं, ठीक है। और बकरे का गोश्त हो या आपने गाय की कुर्बानी की, दोनों में कर सकते हैं। भुनाई कर रहे हैं और लेट्स सी कौन मौजूद है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? रुखसाना जी ठीक ठाक, आपको ईद मुबारक हो बहुत बहुत। आपको भी, आपकी पूरी टीम को और तमाम पाकिस्तानियों को ईद मुबारक बहुत बहुत, और अल्लाह ताला इसी तरह से खुशियां नसीब करे सबको, और अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियां कबूल करे, जिस जिसने भी किए सबकी कुर्बानियां कबूल करे। आमीन आमीन। और जश्न आजादी भी मुबारक हो कल जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आजादी जी बिल्कुल, जश्न आजादी मुबारक हो। और जैसे अभी आप कह रहे थे, वाकई हम लोग सब कश्मीरियों के साथ हैं। दिल तो ये चाहता है कि हम भी सीधे जाके कश्मीर की आजादी के लिए उसमें हिस्सा ले, बिल्कुल, और वहाँ के आवाम के साथ हम लोग सब खड़े हैं। अल्लाह रहम करे और अल्लाह ताला ही सबको हिफाजत करने वाला है, हम सब की दुआएं उनके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आमीन आमीन, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, ऐसा ही है माशाल्लाह जी। और बहुत जबरदस्त डिश बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। रुखसाना जी हमने सवाल पूछा, रुखसाना जी आपके जज्बात बिल्कुल दुरुस्त है अपनी जगह। हमने सवाल पूछा गोश्त को गलावट के लिए तीन क्या चीजें शामिल करते हैं? गोश्त को गलाने के लिए एक तो कचरी पाउडर होता है, पपीता होता है जी, और छालियाँ होती है, और उसके अलावा सोडा, मीठा सोडा जो है वो भी थोड़ा सा लगा, उससे भी गोश्त गलता है। कचरी पाउडर एक और पपीता, दो पपीता, दो और छालिया, छालिया छालिया ना, डर लगता है छालिया से। अदरक, अच्छा, अदरक भी चलाता है। ठीक है ठीक है, आपका जवाब नोट कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आप देख रहे हैं हमारे लाला जी की कैमरे की नजर से, गोश्त का टेक्सचर देखिए आप, बिल्कुल गलता जा रहा है, ठीक है। दही दम गोश्त बना रहे हैं, गोश्त गलता जा रहा है, दानेदार सालन इसका, खुशबू बहुत ही आला। इतनी जब ग्रेवी बचे, ये देख सकते इतनी, उस पॉइंट पर शामिल करते हैं हम बहुत ही खास पिसा हुआ गरम मसाला, गरम मसाला पिसा हुआ आधा चम्मच हमने इसी के अंदर शामिल किया, और इसको इतनी ग्रेवी काफी है, कुछ देर में दम पे भी रखना है, ठीक है जी। और मिसेस आमिर बोस ने फरमाइश की कोई डेजर्ट में कोई चीज रेसिपी शेयर करें, तो आज आप सबकी भरपूर फरमाइश पे डेजर्ट में बना रहे हैं बहुत ही खास दूध सवैया। चलते हैं प्रोसेस की जाने। दूध सवैयों के लिए स्पोर्ट पतीली के अंदर हम ऐड करते हैं सवैया सबसे पहले, ठीक है जी। सवैया हमने लगभग 2 कप शामिल किए, जरा सा हल्का सा जरा सा घी शामिल करना है, या आधा चम्मच घी या मक्खन या ऑयल भी आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। चूल्हा ऑन किया और इन सवैयों की पहले आपने करनी है भुनाई, ठीक है जी। सवैयों की जरा सी इसकी करते हैं भुनाई भी, इसका प्रोसेस जारी है। मौजूद ही आप पाकिस्तान में, ईद मुबारक हो, जश्न आजादी सेलिब्रेट की जाएगी, हम कश्मीरियों के साथ हैं और हर घर में कुर्बानियों का सिलसिला जारी है माशाल्लाह, मजे मजे के खाने बन रहे हैं। और ईद का दूसरा दिन हमारी पूरी टीम लाइव मौजूद है आपके साथ, और यकीनन जो जितने हमारे दोस्त हैं सबकी फैमिली मेंबर्स हैं, उनके फैमिली हैं माशाल्लाह सब कुछ है, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि ईद हम आपके साथ सेलिब्रेट करें, और खुशी की बात है आप भी मौजूद हैं, ठीक है जी। तो बस सवैयों की हो रही है बुनाई, ये देख सकते हैं आप, ठीक है जी। और घी में सवैयाँ और साथ ही आपने कुछ सब्ज इलायची, सब्ज इलायची, ठीक है जी, सब्ज इलायची, और हमारे सब्ज इलायची 6 अदद शामिल करते हैं, ठीक है जी। और हमारे असद जैदी साहब ने पूछा कि इलायची, इलायची दोस्तों ना सिर्फ खुशबू के लिए, बल्कि इलायची से आपकी आवाज को भी बेहतर बनाए, हाजमे के लिए बहुत अच्छी। इलायची गोश्त में भी शामिल कीजिए, ठीक है। और जो लोग कहते हैं हमसे खाना हजम नहीं हो रहा, बकरा ईद में लोग ज्यादा बीमार भी होते हैं, वजह ये, एक तो आप ये चीजें शामिल नहीं करते खानों में, सौंफ शामिल नहीं करते आप, इलायची नहीं डालते आप, जीरा नहीं डालते, चटनियां नहीं होती, सैलड्स नहीं होते, तो फिर तो प्रॉब्लम्स होंगी ना दोस्तों, ठीक है। एंड लेट्स सी कौन मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, ईद मुबारक। खैर मुबारक, क्या नाम है आपका? आफाक अहमद सऊद आबाद से बात कर रहा हूँ सर। आफाक साहब खुश आमदीद कहते हैं, और सवाल हमने पूछा गोश्त को गलावट के लिए तीन क्या चीजें यूज करते हैं जी। एक हम इस्तेमाल करते हैं कच्ची पाउडर। कच्ची पाउडर। दूसरा जी पपीता, चाहे कच्चा हो चाहे पत्ता, दोनों सूरतों में वही काम करता है। अच्छा अच्छा, दोनों। तीसरा है एक हदर, जो हमारे यहाँ अमूमन पान के अंदर छालिया खाई जाती है जी। ये तीन चीजें अमूमन है जो हम लोगों के यहाँ इस्तेमाल होती है गोश्त के गलाने के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा आप आफाक भाई कुछ तमाम करें, आज कुछ स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं कुकिंग या फिर घर वाले बनाएंगे? नहीं जी, बिहारी कबाब में मसाला लगा के रखा हुआ, इंशाल्लाह रात को बारबेक्यू का प्रोग्राम है। माशाल्लाह, वाह जी वाह, क्या बात है क्या बात है। चलें, बहुत शुक्रिया आफाक साहब, थैंक यू। दोस्तों आफाक मौजूद रहे ऑल द वे फ्रॉम सऊदाबाद, और सऊदाबाद कराची पाकिस्तान दुनिया में जहां कहीं मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। घी में सवैयों की भुनाई हो रही है, इलायची और खुशबू बहुत ही आला। ईद के पहले दिन जब हम नमाज पढ़ के आते हैं तो अक्सर हमारी घरों में औरतें, माएं, ख्वातीन, ग्रेट ख्वातीन सवैयां और दूध इस तरह की चीज़ें बना कर रखती हैं। इसका अपना ही मज़ा होता है। सवैयों का इतना कलर लाना ही देख सकते हैं आप, इतना कलर, इससे ज़्यादा लाएंगे तो ज़ाहिर है ये जलना शुरू हो जाएंगी। यहाँ तक पहुँचाने के बाद शामिल करते हैं हम एग्जैक्टली 1 लीटर दूध, ठीक है जी, सवैयों के अंदर। और स्टीम का जलना आपको बताएं सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। दूध ऐसी चीज ऐड करें तो अपना चेहरा यहां नहीं रखना, प्लीज 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 जरा सा दूर रह के आप दूध ऐड कीजिए। एग्जैक्टली 1 लीटर दूध शामिल कर रहे हैं हम घी में सवैयों और इलायची की भुनाई के बाद। ठीक है जी, और साथ ही चीनी भी ऐड करते हैं, लेकिन कुछ देर से आपने पका लेना है, ठीक है जी, कुक कर लेना है, ठीक है जी। और सवैयां बनती रहेंगी, लेकिन ज्यादा लोग बात करें गोश्त के हवाले से तो गोश्त में आपने ये चीजें कर सकते हैं। कुछ और टिप्स भी देता चलूं आपसे, आप भी जवाब दे रहे हैं गलावट के लिए तीन क्या चीजें यूज की जाती हैं। और आपको बताएं दोस्तों, अगर आप फेसबुक की दुनिया में हैं तो जरूर ज्वाइन करें Chef21 के नाम से हमारा फेसबुक पेज है CHEF21, जरूर लाइक करें। YouTube की दुनिया में सर्च करना चाहें तो सिर्फ लिखेंगे इकबाल शाह, शेफ इकबाल शाह हमारा चैनल होगा, डू सब्सक्राइब। गोश्त देखिए जबरदस्त गल चुका है, देख सकते हैं आप, ठीक है जी। अब इसमें हमने कोयले का दम भी देना है, ठीक है। पहले गोश्त को गला लेना है, और दानेदार इसका फ्लेवर है, चपाती चपाती हो, घर की रोटी हो, नान हो, उसके साथ इंजॉय कीजिए, बहुत मजा आएगा। चटनियाँ सैलड्स का इहतमाम कर सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर विटामिन सी ज़रा और ऐड किया जाए ताकि आपको हजम करने में भी मज़ा आए और इजीली कर सकें और खाने में भी मज़ा आए। तो उसके लिए विटामिन सी मौजूद है हमारे पास, कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, इसे हम काट लेते हैं। बीज से अलहदा कर लेना है सीड से शिमला मिर्च को, ठीक है जी। इस तरह शिमला मिर्च को रखने के बाद फाइन जूलियन कर लेते हैं इस तरह से, एंड लेट्स सी कौन मौजूद हैं हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, ग्रेट। कौन बात कर रही हैं आप? मैं तानिया बात कर रही हूँ मॉडिगोनी से। जी तानिया जी, ईद मुबारक हो सबसे पहले आपको, बहुत बहुत ईद मुबारक सर। खैर मुबारक सर, आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं, और आज जो आप शीर कोरमा बना रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा तानिया जी, हेलो जी सर। ईद की कुर्बानियों के बाद आज आपके मेन्यू में क्या बनने जा रहा है, कुछ स्पेशल बना रही हैं आप? सर आज मैंने पुलाव की यखनी रेडी करके रखी है। वाह, और टिक्कों में मसाला लगा के रखा है। अच्छा, तिक्के भी पुलाव भी, वाह जी वाह, माशाल्लाह क्या बात है। जवाब देंगी तानिया सवाल का, कलावर के लिए तीन क्या चीजें? आप, हाँ मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। पहला पपीता, पपीता। दूसरा बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, अच्छा ठीक है। एंड तीसरा कचरी, कचरी पाउडर, कचरी पाउडर, ठीक है। तानिया आपका जवाब नोट कर लिया, ठीक है, शुक्रिया।
दोस्तों भुनाई हो रही है, खुशबू बहुत ही आला और इतना मजे का गोश्त है, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, मैं जरा चख रहा हूँ। आप लीजिए वक्फा, वक्फे के बाद इख्तितामी लम्हात और कुछ और गोश्त के हवाले से ऐसी टिप्स शेयर करेंगे जो काफी इंटरेस्टिंग है, और ये दोनों रेसिपीज को फाइनलाइज करते हैं, आपसे जवाब भी लेंगे वक्फे के बाद। ईद मुबारक को, जश्न आजादी की सिलसिला जारी, लेट्स चेक अप। वेलकम बैक दोस्तों, आज ईद का दूसरा दिन, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कल इंशाल्लाह जश्न आज़ादी सेलिब्रेट की जाएगी पाकिस्तान में, और हम बिल्कुल कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, उनके दुख में बराबर के शरीक हैं एज अ पाकिस्तानी। एंड वी होप कि वहाँ की सभी सूरत हाल बेहतर, और हम दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला से। एंड वी होप, कहते हैं इन दी एंड जीत हक्की होती, वी होप कि इंशाल्लाह जीत हक्की होगी, ठीक है जी। और दूध सवैया बन रही है, गोश्त की रेसिपी फाइनलाइज, दम देना है आखिर में। एक और चीज आपसे शेयर करते चले, सवाल है हमारा आपसे कि गोश्त को गलावर के लिए तीन क्या चीजें ऐड की जाती हैं, ये सवाल है जिसका आप जवाब दे रहे हैं, प्रोसेस जारी है। बैक टू द रेसिपी दोस्तों, यहाँ पे हमने एक अदद कोयला जलाया है जो देख सकते हैं आप, ठीक है, और अच्छा खासा जल भी चुका है। ये गोश्त आप देख सकते हैं काफी हद तक ये बिल्कुल गल चुका है, टेंडर हो चुका है, ठीक है जी। कोयला इससे हम शिमला मिर्च के अंदर रख रहे हैं, और ये ट्रिक है, शिमला मिर्च के अंदर क्यों रख रहे हैं, देखिए शिमला मिर्च का एक जबरदस्त फ्लेवर आएगा गोश्त के अंदर जो इसे और मजे का बनाएगा, ठीक है। ये खास दम है आएगा, अगर हम प्याज या बंद गोभी के अंदर भी रख सकते थे, लेकिन शिमला मिर्च का जो जायका रचेगा, पहले तो हम डिस्कस कर चुके हैं शिमला मिर्च हाजमे के लिए बहुत अच्छी है, विटामिन सी इसमें होता है। फ्यू ड्रॉप्स ऑयल के इसके अंदर हमने ड्रॉप करने, 1, 2 एंड 3। ओ वाह, सिर्फ 2 मिनट तक, ठीक है, सिर्फ 2 मिनट आपने इसे दम पे रखना है, और ये देख सकते हैं अंदर स्टीम बन चुकी है, शिमला मिर्च का अरोमा फ्लेवर सब कुछ अच्छेगा। दूध सवैया, ठीक है जी, और इसका प्रोसेस जारी है, आप मौजूद है हमारे साथ। दूध आहिस्ता आहिस्ता नेचुरल प्रोसेस से थिक हो रहा है, याद रहे कि 1 लीटर दूध था कुक होने के बाद 700 ml बचा है, ठीक है, 700 ml यानी कि 300 ml रिड्यूस हो चुका है। देखिए सवैयों के अंदर रचता जा रहा है इलायची वाला दूध, और सवैया पकती जा रही है जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है जी। और माशाल्लाह इंशाल्लाह हम सेलिब्रेट करें कल 14 अगस्त, 73 साल हो जाएंगे, और हम दुआ करते हैं पाकिस्तान के हवाले से भी कि लोग चाहे जितनी भी नेगेटिविटी की बात करें, बट वी होप के बेहतरी ज़रूर आएगी, और दिल से ये कहते हैं यार कि नाउम्मीद नहीं इकबाल, अपने किश्ते वीरा से ज़रा नम हो, तो मट्टी बहुत जरखेज है, बदलाव ज़रूर आता है। हम दुआ भी करते हैं अल्लाह से कि हम खुद थक चुके हैं ज़ाहिर, इतनी ज़्यादा रुकावटें मुश्किल कॉन्टीन्यूसली जो हमने फेस की हैं, वी होप भी सब सूरतयाल बेहतर हो और पाकिस्तान की जीत हो जी, ठीक है जी। तो बस प्रोसेस जारी है, और ये हम धनिया शिमला मिर्च को जो कटी हुई को मटा लेते हैं, यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ठीक है जी दोस्तों, और लास्ट 8 मिनट बाकी हैं, ज्यादा कॉल्स ना ले पाएंगे, सिर्फ 1 या 2 कॉल्स लेंगे। रेसिपीज को फाइनलाइज करते हैं, सवाल पूछा गोश्त को गलावट के लिए 3 क्या चीजें ऐड करते हैं, जवाब दे रहे हैं। गोश्त के अंदर अरोमा आता जा रहा है कोयले का, और सवैया दूध भी हो रही है तैयार, ठीक है जी। और सभी हमारे दोस्तों को ईद मुबारक, और बादाम पिस्तों को हम जरा
आलमंड पिस्ताशू को जरा चॉप कर लेते हैं, ठीक है। इलायची निकाल लीजिए और बादाम इन पिस्ते हम जरा इस तरह रफ चॉप कर लेते हैं क्विकली। बहुत से लोग आलमंड्स को बॉइल करके भी इसका छिलका पील ऑफ करने के बाद भी काटते हैं, लेकिन हम एज इट इज कर रहे हैं, ठीक है जी। हमने बॉइल नहीं किया, हम एज इट इज कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है जी। बादाम काट चुके हैं, लेट्स सी हमारी सवैया कहां तक पहुंची। याद रहे कि दूध 1 लीटर से जब 700 ml रहा, इस पॉइंट पर हम शामिल करें चीनी 5 चम्मच 5 टेबल स्पून चीनी शामिल करके इसे जरा मिक्स किया। कुछ बादाम पिस्ते हम इस दूध के अंदर ही शामिल कर रहे हैं, ठीक है जी। और जरा सा ये चेंज भी है पर डिफरेंट फ्लेवर भी लगेगा, जरा सा हमने कॉर्नफ्लोर को हमने पानी के अंदर डिजॉल्व किया था, याद रहे बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना। हम चाह रहे हैं इस तरह को आप इसे चम्मच से खा भी सकें और आप चाहें तो बाउल से पी भी सकें आप, ठीक है जी। चम्मच से खा भी सकें और पी भी सकें, तो बहुत ज्यादा थिक नहीं करना, जरा सा ही कॉर्नफ्लोर ऐड करें और कॉन्टिन्यूसली आपने इसे हिलाता रहना। और हम सबकी ख्वाहिश है कि ये तो दिल चाह रहा है कि गोश्त के बाद ये मजा आएगा। आज कॉलर भी मौजूद है, बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कौन बात कर रहे हैं? मैं मुबीन खान कोरंगी कराची से बोल रहा हूँ। जी मुबीन साहब, खुश हो जी। जी बोलिए, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। और सुना, ईद मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना पकाते हैं। शुक्रिया शुक्रिया मुबीन भाई। कोई कबाब बनाना बताएं, कोई अच्छे शामी कबाब बेहतरीन। ठीक है जरूर जरूर बताएं। बात सर, बात सुने आप अपना नाम बताएं, मुझे आपका नाम नहीं पता। जी बिल्कुल, मुझे कहते हैं इकबाल, शेफ इकबाल शाह। ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों कुक करना, लेकिन देखिए दूध सवैयों को इससे ज्यादा थिक नहीं करना, इससे ज्यादा थिक नहीं करना, ठीक है जी। और ये गोश्त हमारा लेट्स सी कहां तक पहुंचा, दम भी हो पा चुका होगा, टेंडर हो चुका है। और हम हटाते हैं कवर इसका, ठीक है, बहुत एहतियात के साथ। 1, 2 और 3 और हमारे वो दोस्त जो बारबेक्यू या अंगीठी का इत्तेमाल नहीं कर पा रहे, सिंपली गोश्त की बुनाई के बाद अब कोयले का दम दीजिए तो वही मजा आएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। और गोश्त ये देख रहे हैं आप, लोग कहते हैं इतने शो में गलता या नहीं गलता इतनी जल्दी, तो चलिए आपको दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ऑल्दो ये नाइफ इतनी तेज नहीं, लेकिन आप देखें ये गोश्त बिल्कुल हलवा हो चुका है, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल हलवा इतना गल चुका है जैसे रेशमी कबाब होता है, जैसे बिहारी कबाब होते हैं, देखिए आप बिल्कुल ये अंदर तक गल चुका है, परफेक्टली टेंडर हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो बस बोटियां लीजिए और एंजॉय करें आप, ठीक है जी। तो हम निकाल लेते हैं इस गोश्त को, और इसमें हमने याद रखें सौंफ शामिल की थी, जीरा ऐड किया था, ये वो चीजें हैं जो आपके हाजमे के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। लुक एट दिस, माशाल्लाह। अदरक आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है, हाजमे के लिए बहुत अच्छे। और इस तरह नई रेसिपीज ट्राई कीजिए जैसे कि आज हमने आपके साथ शेयर की, दही दम गोश्त। इसकी गार्निश में फिर से आपसे कहूंगा मैं, धनिया अदरक को ऐड नहीं करें, सिर्फ शिमला मिर्च जूलियन कटी इस तरह रखनी है और ये आपने खानी है, ठीक है जी। शिमला मिर्च आप जिसके साथ आप एंजॉय करेंगे तो आपको हजम करने में भी इजी होगा और इसका एक डिफरेंट सा फ्लेवर आएगा। चपाती के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत मजा आएगा। बाकी चीजों को रिमूव करते हैं, लेट्स सी हमारा दूध सवैया कहां तक पहुंची, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, सवाल पूछा गलावट के लिए 3 क्या चीजें ऐड करते हैं, आप जवाब देते रहे, ठीक है। बाकी चीजों को रिमूव करते हैं, इख्तितामी लम्हात कुछ देर में लेंगे इजाजत और कल इंशाल्लाह
पाकिस्तान भर में हम जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करेंगे और हम यकीनन अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। ठीक है जी, लेट्स सी हमारा दूध सेवइयों का टेक्सचर देखिए। ठीक है, जिस तरह हमने कहा इसे आप खा भी सकते हैं और बाउल में इस तरह पी भी सकते हैं। फेसबुक पर ज्वाइन करें, वन मोर टाइम आपसे कहेंगे, शेफ21 के नाम से लाइक करें, हमारा पेज है। मुझे तलाश करना चाहें फेसबुक या यूट्यूब पर, सब शेफ इकबाल से लिखिए। ठीक है, 6 से 7 रोजाना देखते रहिए बेस्ट रेसिपीज के लिए K21 न्यूज। बस कुछ ही देर में ये तैयार हो तो उसके बाद इसे फाइनलाइज करते हैं। चलिए आज जरा गोश्त की बात कर लेते हैं, वक्त है तो। ठीक है, गलावट के लिए काफी चीजें बेड कर सकते हैं। गोश्त को एक तो ऐसा कीजिए, अगर आपने कुर्बानी की है प्रिजर्व कर रहे हैं तो अलग अलग पार्ट रखिए। एक गोश्त आप हड्डी वाला रख लीजिए, एक बगैर हड्डी का रख लीजिए, ताकि जो आपकी रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से आप पका सकें। दूसरा ये कीजिए कि आप गोश्त के अंदर आपने पपीता और अदरक लहसुन मिलाकर रख लें, जैसे ही आपके मेहमान आए उसके अंदर आप कढ़ाई गोश्त बना लें, चाहे उस गोश्त के टिक्के बना लें, चाहे उस गोश्त की आप तंदूरी स्टाइल में बना लें, जो चांपे हैं चांपों को भी इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह डिफरेंट आइडियाज के साथ। एक और चीज, नींबू का इस्तेमाल इस बकरा ईद में, नींबू का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। एक तो विटामिन सी आपकी हजम फूड को हजम करने में हेल्प करता है, जायके को भी बहुत एनहेंस करता है, तो नींबू की खटास का भी जरूर सहारा लीजिए। हर्बल जो हमने बातें की, सौंफ, जीरा, राई, अजवाइन, कलौंजी, ये अपने खानों में जरूर इस्तेमाल करें। ठीक है, और एक और चीज जो लास्ट में कहूंगा आपसे, देखिए दुनिया में लोग सर्दियों को भी लोग इंजॉय करते हैं, बीमार नहीं होते, बारिशों को भी इंजॉय करते हैं, खाने को भी इंजॉय करते हैं, फूड को इंजॉय करें, उतना खा लें जितना आप खा सकते हैं, साथ सैलड चटनियाँ रखें, बहुत मज़ा आएगा। ओवर ईटिंग करेंगे तो डेफिनेटली बीमार होंगे, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, और ये हमारा दूध सेवइयाँ हो रही हैं तैयार। बस मैं चाह रहा हूँ कि इसे ज़रा और कुक करें ताकि और रिच हो जाए। वक्त हो चुका है ख़त्म, वक्त आ चुका है इजाज़त लेने का, और दोनों रेसिपीज हमारी हो चुकी हैं तैयार। ठीक है, इसे बिल्कुल हम कंप्लीटली इसे ड्राई कर लेते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है दोस्तों, पाकिस्तानियों आपसे कहेंगे यार बहुत जरूरी चीज है कि इसे ख्याल करना है कि बर्तन आपके वॉश्ड हों, परफेक्टली ड्राई हों, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये वजह बनती है फूड पॉइजनिंग की। तो ये वेरी वेरी स्पेशल दूध सेवइयां, ना बहुत ज्यादा थिक ना थिन, फाइनली हो चुकी है तैयार। लुक एट दिस, भुनी हुई सेवइयां घी के अंदर, दूध कुक हो चुका है, बादाम, पिस्ते, सब्जी, इलायची, वाह वाह वाह। ठीक है जी दोस्तों, ओवरफुल नहीं करना है, इतना काफी है। और इन दूध सेवइयों के टॉप पर ऐड करते हैं सिंपली बादाम, पिस्ते, खुश्क मेवा जात, चाहें तो काजू भी ऐड कर सकते हैं, और जो लोग पसंद करते हैं छुआरी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके साथ आज जो हमने एंजॉय करें, हमने कहा चपाती, लेकिन ये क्रिस्पी नान है, याद रहे ये क्रिस्पी नान है, आपको आवाज आ रही होगी बाकायदा टक टक की, लेकिन इससे आपने गरम गरम खाना है, बहुत मजा आएगा। बाकी चीज वो करते रिमूव और लेते हैं आपसे इजाजत। ठीक है जी दोस्तों, ये हमारा गोश्त और जबरदस्त दही दम गोश्त, और ये सेवइयां भी हो चुकी हैं तैयार। सवाल पूछा गलावट के लिए क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, और ऑलमोस्ट सभी ने सही जवाब दिया, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप कचरी पाउडर यूज कर सकते हैं, आप पपीता यूज कर सकते हैं, सोडा किसी ने नहीं कहा आप सोडा यूज कर सकते हैं, किसी कॉलर ने कहा बेकिंग पाउडर आप यूज कर सकते हैं, बहुत से लोग छालिया भी यूज करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर है कुकिंग में, ये होती हैं आप कच्ची पाउडर, टेंडराइजिंग पाउडर, सोडा, पपीता, ठीक है, इन सभी का सहारा ले सकते हैं गलावट के लिए, और जब मसाले मिलाकर रखते हैं उससे भी गलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, कल इंशाल्लाह पाकिस्तान भर में सेलिब्रेट किया जाएगा 14 अगस्त, आपको एडवांस में मुबारक हो जश्न आज़ादी की, एंड वी होप कि इंशाल्लाह ज़बरदस्त कल इंजॉय करने जा रहे हैं, और हम साथ ही हम सब पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ हैं, उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, वी होप हम दुआ भी करते हैं अल्लाह से उनकी प्रॉब्लम्स जरूर हल हों और बेहतरी जरूर आए।
बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, खुश रहें, शादाबाद रहें, हमारी पूरी टीम को दुआ में याद रखिए। ईद के बावजूद हमने कोशिश की कि आपके लिए अच्छा शो पेश किया जाए। एवरीवन, कैमरामैन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एवरीवन, जितने लोग हैं ठीक है, आपके लिए माए, आपका बहुत शुक्रिया। खुश रहें, शादाबाद रहें। लास्ट में यही कहूँगा दोस्तों, मैंने हर जगह बात की कि जिंदगी आपको हार्ड टाइम देती है, जिंदगी में मुश्किल आती है, जिंदगी में परेशानी आती है, जिंदगी में बीमारी आती है, कुछ भी आ जाए, लेकिन अल्लाह पे मजबूत यकीन होना बहुत जरूरी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।